नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। शक्ति योजना के कारण ऑटो चालक परेशान। हमनाबाद के आश्रम में सत्यम शिवम सुंदरम पुरस्कार वितरित किया गया। सीएम सिद्धरामैया ने कांग्रेस विधायकों से लोकसभा चुनाव पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। कम बारिश के बावजूद कर्नाटक का अलमाटी बांध लबालब है। कर्नाटक के किसानों ने तमिलनाडु को पानी छोड़े जाने का विरोध किया। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। कर्नाटक में कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद चुनाव के दौरान किए गए वादे के अनुसार कांग्रेस ने शक्ति योजना का आगाज किया, जिसमें महिलाओं को बस की सेवा मुफ्त कर दी गई। इस योजना से महिलाओं में खुशी जरूर है, क्योंकि वह अब बस में मुफ्त सफर कर सकती हैं। इस योजना के आगाज से ही राज्य के सभी परिवहनों में महिलाओं की संख्या अत्यधिक बढ़ गई है, जिससे पुरुषों को कुछ कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ रहा है, तो वही स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इन सब के अलावा आज निजी बस और अन्य वाहन संकट में है, और इनमें सबसे ज्यादा ऑटो चालक परेशान है, क्योंकि ऑटो का उपयोग ज्यादातर महिलाएं करती थी, लेकिन योजना के कारण अब महिलाएं मात्र बस में सवार हो रही हैं। इससे ऑटो चालक परेशान है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। भारत की आजादी के बाद से अच्छे लोगों की कीमत कम हो गई है, इसीलिए अच्छे लोगों की संख्या कम हो गई है। अच्छे लोगों को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए लालधारी आश्रम द्वारा दिया जाने वाला सत्यम शिवम सुंदर पुरस्कार अच्छे लोगों को प्रोत्साहित कर रहा है और उनका मनोबल और इच्छा शक्ति को बढ़ा रहा है और उन्हें प्रचार भी मिल रहा है। इसका जनमानस पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और अच्छे लोगों को अच्छे कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। आश्रम में पुरस्कार के लिए योग्य लोगों के चयन में भी पारदर्शिता बरती जा रही है। हिंदू महासभा के कर्नाटक प्रदेश अध्यक्ष विवेकानंद स्वामी ने कहा कि यह सराहनीय कार्य है। उन्होंने प्रोफेसर वेंकन्ना डोने गौड़ा को सामाजिक क्षेत्र में सुंदरा पुरस्कार, यारा बाग के अनिल कुमार स्वामी आध्यात्मिक क्षेत्र में शिवम पुरस्कार और मीडिया क्षेत्र में शिवशंकर तरनली को सत्यम पुरस्कार हुमनाबाद के पास लालधारी आश्रम में आयोजित एक कार्यक्रम में दिया। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलेटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482127। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गढ़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज,
खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर APMC वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं आगे के समाचार। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया द्वारा कांग्रेस विधायकों के साथ मुद्दों को सुलझाने के लिए कुल मिलाकर सभी जिलों को कवर करने वाली 31 बैठकें हुई, जिनमें से 136 विधायकों ने भाग लिया और अधिक समय तक चली। मुख्यमंत्री ने विधायकों से व्यक्तिगत रूप से बात की और उनकी चिंताओं को सुना। 5 दिनों तक चली बैठकों में पार्टी के कई MLC और सांसदों ने भी हिस्सा लिया। प्रशासन में विधायकों की बड़ी भूमिका सुनिश्चित करने के लिए कांग्रेस विधायक दल की बैठक में विधायकों से बातचीत का विचार रखा गया। सिद्धरामैया, जिनके संसाधन गारंटी योजनाओं के कारण धन के रूप में फैले हुए हैं, उन्होंने अधिकारियों को लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए प्राथमिकता और उपलब्धता निधि के आधार पर विकास कार्य करने और शिकायतों का समाधान करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने अपनी टीम को निर्धारित समय सीमा का पालन करते हुए काम करने का निर्देश दिया। कई विधायकों ने खुलकर अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में जरूरी काम कराने की भी मांग रखी। उठाए गए मुद्दों पर जिला प्रभारी मंत्रियों की राय ली गई। इन बैठकों के दौरान सिद्धरामैया और उपमुख्यमंत्री शिव कुमार अपने सुझाव देते रहे। कम बारिश के बावजूद राज्य के सबसे बड़े जलाशयों में से एक आलमट्टी डैम बुधवार शाम को लबालब भर गया। बांध में जल स्तर अधिकतम 519.60 मीटर और कुल भंडारण क्षमता 123.081 TMCFT तक पहुंच गया। बांध में पानी का प्रवाह 12 जुलाई को ही शुरू हो गया था। एहतियात के तौर पर विभिन्न छोटे बांधों और टैंकों को भरने के लिए क्रेस्ट गेटों से पानी छोड़ा जा रहा है। कृष्ण भाग्य जल निगम लिमिटेड KBJNL ने 27 जुलाई से नहरों में पानी छोड़ना शुरू कर दिया है और विनियमित तरीके से ऐसा करना जारी रहेगा। गुरुवार को बांध में 2153 TMCFT पानी आया और सारा पानी डिस्चार्ज कर दिया गया। जुलाई के आखिर हफ्ते में महाराष्ट्र और पश्चिम घाट में भारी बारिश के कारण बांध में हर दिन 1.5 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी आ रहा है। अगस्त के पहले सप्ताह से प्रवाह में गिरावट के साथ बांध को भरने के लिए पानी जमा करने के लिए वही प्रवाह भी कम कर दिया गया। तमिलनाडु को कावेरी का पानी छोड़े जाने का विरोध करते हुए मुलेकोटे विधायक दर्शन पुतनैया के नेतृत्व में किसानों ने गुरुवार को KRS बांध के सामने विरोध प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में किसान बांध के सामने एकत्र हुए और अधिकारियों और राज्य सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए मांग की कि पानी छोड़ना तुरंत बंद कर दिया जाए। पुतनैया ने कहा कि क्षेत्र के किसान अधिकारियों से नहरों में पानी छोड़ने की मांग कर रहे हैं। यहाँ के किसानों के लिए पानी छोड़े बिना अधिकारी पड़ोसी राज्य को पानी कैसे छोड़ सकते हैं। खड़ी फसल के लिए पानी छोड़ा जाना चाहिए। कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा सुझाए गए संकट फॉर्मूले पर विचार करने की जरूरत है, खासकर ऐसे महत्वपूर्ण समय में जब बारिश की कमी है और बांध में पानी का प्रवाह कम है। उन्होंने सवाल किया कि अधिकारी किस फॉर्मूले या अंदाजे से पानी छोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं तुरंत बेंगलुरु जाऊंगा और संबंधित मंत्री और अधिकारियों से इस मामले पर चर्चा करूंगा। इसी बीच श्रीरंगपटना में भी इसी तरह का विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें कृष्ण गौड़ा के नेतृत्व में किसान नेता सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए नदी में उतरे। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलेटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482127। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गढ़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवाल, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। देखिए, बात स्वागत है आपका, देखते हैं आगे के समाचार। गृहमंत्री जी परमेश्वर ने राज्य पुलिस प्रमुख को उन कन्नड़ लेखकों को सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया है जिन्हें धमकी भरे पत्र मिल रहे हैं। लेखकों का एक दल गृहमंत्री से मुलाकात करेगा। लेखक एसडी सिद्धरामैया, वसुंधरा भूपति, कुम वीरभद्रप्पा, प्रोफेसर मरुड़ा सिद्धप्पा, बंजागरे जयप्रकाश और अन्य पत्रकार गौरी लंकेश और प्रोफेसर एमएम कलबुर्गी की हत्या का हवाला देते हुए पुलिस सुरक्षा की मांग की। गृहमंत्री को लिखे पत्र में प्रोफेसर मरुड़ा सिद्धप्पा ने कहा कि 15 से अधिक लेखकों और बुद्धिजीवियों को सांप्रदायिक ताकतों और समान विचार वाले लोगों से धमकी भरे पत्र मिले हैं। प्रोफेसर मरुड़ा सिद्धप्पा ने गृहमंत्री से उनकी बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए कदम उठाने और पुलिस को उन्हें उचित सुरक्षा देने का निर्देश देने का आग्रह किया है। गृहमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। हम गौरी लंकेश और प्रोफेसर कलबुर्गी की हत्या को नहीं भूले हैं। मैंने पुलिस अधिकारियों को लेखकों को सुरक्षा देने का निर्देश दिया है। हम शनिवार को बैठक के दौरान लेखकों से सारी जानकारी लेंगे।
कृषि विभाग ने किसानों के लिए एक केंद्रीकृत कॉल सेंटर शुरू किया है, जहां वे सभी केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का विवरण प्राप्त कर सकते हैं। कृषि मंत्री एन चेलवराय स्वामी ने कहा कि सभी मौजूदा 8 कॉल सेंटरों का विलय कर दिया गया है और किसान अब प्रश्नों के लिए समर्पित टोल फ्री नंबर 1800425353553 पर कॉल कर सकते हैं। मंत्री ने कहा कि केंद्रीकृत कॉल सेंटर पर विचार किया गया है, क्योंकि किसानों को योजनाओं और कृषि संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रत्येक कॉल सेंटर से संपर्क करना मुश्किल हो रहा था। उन्होंने कहा, हमें इन सभी 8 कॉल सेंटरों से प्रति सप्ताह लगभग 500 कॉलें मिलेंगी, जिसे हम एक समर्पित नंबर के साथ बढ़ने की उम्मीद कर रहे हैं। उनके अनुसार केंद्रीकृत प्रणाली से संभवतः अधिक किसानों को उनकी समस्याओं का समाधान करने और योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में मदद मिलेगी। सरकार अधिक किसानों तक पहुंचने के लिए इंटरैक्टिव वॉइस रेस्पॉन्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी शामिल करने की योजना बना रही है। कम से कम 2 वरिष्ठ लिंगायत नेता हुबली स्थित बीवी भूमरेड्डी बीवीबी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जो अब केएलई टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी है, को वेतन अनुदान जारी करने के लिए कांग्रेस सरकार पर दबाव बढ़ा रहे हैं। केएलई टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी बनने के बाद बीवीबी कॉलेज के कर्मचारियों को 8 साल तक सरकार से 100 करोड़ रुपए का वेतन मिलता रहा। विधान परिषद के सभापति बसवराज होराटी ने इस मुद्दे पर उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. एमसी सुधाकर को एक पत्र लिखा है। उन्होंने वित्त विभाग को एक नोट भी जारी किया है, जिसमें इस वित्तीय वर्ष में अप्रैल में रोके गए वेतन जारी करने की मांग की गई है। पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार भी संस्थान के पक्ष में हैं। तमाम विवाद और असमंजस के बावजूद कर्नाटक सरकार ने स्कूली बच्चों को गर्म पानी के साथ अंडे देने की गतिविधि शुरू कर दी है। कर्नाटक सरकार के नए मिड डे मील के तहत सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 1 से 10 तक के सभी छात्रों को पूरक पोषण पौष्टिक भोजन अंडा चना केला के वितरण के लिए एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम का उद्घाटन सरकारी हाई स्कूल होसाहल्ली मंड्या जिले में किया गया। मंत्री मधु बंगारप्पा और एन चेलवराय स्वामी ने बच्चों को अंडे देकर और खुद खाकर इसकी शुरुआत की। इस अवसर पर बोलते हुए प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा ने कहा कि सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के 60 लाख बच्चों को सप्ताह में 2 बार 1.20 करोड़ अंडे दिए जाएंगे। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। शक्ति योजना के कारण ऑटो चालक परेशान। अहमदाबाद के आश्रम में सत्यम शिवम सुंदरम पुरस्कार वितरित किया गया। सीएम सिद्धरामैया ने कांग्रेस विधायकों से लोकसभा चुनाव पर ध्यान केंद्रित करने को कहा। कम बारिश के बावजूद कर्नाटक का अलमाटी बांध लबालब है। कर्नाटक के किसानों ने तमिलनाडु को पानी छोड़े जाने का विरोध किया। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।